क्वार्टर फाइनल के मैच का टॉस 5:40 पुरुषोत्तम मापारी 5:40। दोस्तों अब टॉस हो चुका है और टॉस जीता है डुगना और लई राय क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। विवेक गावड़े जो पहले मैच का मैन ऑफ द मैच था, विवेक गावड़े आइए। सुबोध सुबोध सर, विवेक गावड़े को मैन ऑफ द मैच। इससे पहला मैच जो समाप्त हुआ था आरवी का, उस सर जोसेफ डिसोजा जिनसे हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। सरफराज उर्फ चप्पू और विवेक विवेक गावड़े आप भी आइए, विवेक गावड़े आप भी आइए ट्रॉफी के लिए। जो पहला मैच आरवी इलेवन ने जीता था उस मैच में मैन ऑफ द मैच, और उसी के साथ सरफराज उर्फ चप्पू जो अभी अभी मैच समाप्त हुआ उस मैच में मैन ऑफ द मैच, और सर जोसेफ डिसोजा जिनसे हाथों डिकोस्टा, सर थैंक यू सर, सर जोसेफ डिकोस्टा जिनसे हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है। कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत करेंगे हमारे और एक बेहतरीन स्कोरर, कंप्यूटर स्कोरर अखिल परब जिनका आगमन हो चुका है। अखिल आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। तो चलिए मैच शुरू हो रहा है, टॉस जीता है, बल्लेबाजी कर रही है और पुरुषोत्तम मैच 6 ओवर का, ओके 6 ओवर का मैच हो रहा है दोनों टीम। चलिए जल्द से जल्द चलिए ओपनिंग जोड़ी जल्दी चलिए प्लीज, देरी मत करो दोस्तों क्योंकि बाद में बैटिंग करनी है। तो अब जल्दी चलिए ओपनिंग जोड़ी क्योंकि बाद में सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी करनी है इस मैच में। तो आप ओपनिंग जोड़ी प्लीज जल्द से जल्द चलिए, 6 ओवर का मैच होगा। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कॉमेंट्री बॉक्स में से जोसेफ सर। लई राय क्रिकेट टीम, लई राय क्रिकेट टीम चर्च आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी चलिए प्लीज ओपनिंग बैटर जल्दी चलिए लई राय क्रिकेट टीम। ओपनिंग जोड़ी सरफराज उर्फ चप्पू, उन्हीं के साथ अजीम, और देखना होगा शायद पावर प्ले का पहला ओवर लेकर मैं थोड़ी सी एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा सेंट एंथोनी पापालो आपके टीम के लिए, आप गेंदबाजी और फील्डिंग जल्द से जल्द पूरी करो
क्योंकि आपको बाद में बैटिंग करनी है, 6 ओवर का मैच होगा, 1 ओवर पावर प्ले का, आपको बाद में बैटिंग करनी है दूसरी इनिंग में, आपकी गेंदबाजी और फील्डिंग जल्द से जल्द आप 6 ओवर पूरा करो। अंपायर का इशारा, पुरुषोत्तम मापारी और सिद्धेश अरम्बलकर कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कंप्यूटर स्कोरर अखिल परब शाम के दौर में। अखिल आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से, और अजीम और सरफराज उर्फ चप्पू ये ओपनिंग जोड़ी। पहली गेंद बहुत अच्छी शुरुआत, रोहन सालगांवकर ऑफ स्टंप पर पुलर लेन की गेंद, बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद चली गई विकेट के पर, पुनः जी कलंगुट करके हाथों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, एक सुंदर आयोजन ऑसम बॉयज का, कलंगुट चैंपियंस ट्रॉफी, सुबोध अड़पड़कर और उन्हीं के साथ उनकी पूरी टीम पिछले 20-25 दिनों से मेहनत इस टूर्नामेंट के लिए, बड़ा इनाम है इस टूर्नामेंट के साथ, 1,55,555 शानदार सुंदर ट्रॉफी है, चमचमाती सुंदर ट्रॉफी, 5 दिन का ये क्रिकेट का सफर, क्रिकेट का कारवा आपके साथ चलता रहेगा इस मैदान पर। बहुत ही अच्छा विकेट है, अच्छा मैदान है, और छोटी गेंद हवा में, देखना होगा मौका नहीं बना बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और जब तक गेंद को आते उठाते फील्ड करते, एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू हुआ मैदान पर। सरफराज उर्फ चप्पू पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, 2 निशाने लगाए बिल्कुल स्टंपों पर रन आउट के, और वो बहुत ही किफायती रहे। एक मैडी महेश भाईडकर, थोड़े से ढिलाई के साथ मैडी भाईडकर मैं कहूंगा निकले रन के लिए, और इसी बीच रोहन सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर स्ट्राइक एंड पर बैटर है। सरफराज उर्फ चप्पू, 2 फील्डर है बाहर, पावर प्ले का पहला ओवर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर और एक दूसरा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। और इस बार सुंदर शॉट कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई, देखना होगा फील्डर लगभग बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड करते, 2 रन मिले स्कोर के खाते में। टॉस जीता सिद्धिविनायक लहराई आई लहराई क्रिकेट टीम, जो बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर। सरफराज ने खाता खोला, टीम का स्कोर 3 रन, पहला ओवर पावर प्ले का, रोहन सालगांवकर दूर वाले चोर से राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। ऑन द राइज खेलना चाहते थे, टीम के मालिक है सर विश्वंबर कौटणकर। डॉट गेंद के साथ रोहन सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्क पर, एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम की। फिर से फुलर लेन के एक तगड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन मिला स्कोर के खाते में। जो गेंद लगभग निकल रही थी 4 रन के लिए, वहीं पर 1 रन, और साहिल जो कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, और पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान से। मैं एक बार फिर से जो कि सूचना जरूर करूंगा सेंट एंथोनी पापालो आपके लिए, आपकी फील्डिंग और गेंदबाजी जल्द से जल्द लगाई, क्योंकि आपको बाद में बैटिंग करनी है, थोड़ी सी परेशानी होगी आपको बैड लाइट की, और इसीलिए आपको अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग जल्द जल्द बिल्कुल जो कि तुरंत लगानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको बल्लेबाजी दूसरी इनिंग में करनी है इस विकेट पर, इस मैदान पर। पुनः जी कलंगुट कर आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर, सामने सरफराज उर्फ चप्पू। थोड़ी सी चर्चा हो रही है अंपायरिंग के साथ, पुरुषोत्तम मापारी और सिद्धेश अरम्बलकर, ये 2 अंपायर मैदान पर। पुनः जी कलंगुटकर थोड़ा सा वार्म अप, सामने सरफराज। आज 2 बड़े इनिंग गेंदबाजी में और फील्डिंग में तो हमेशा उनका योगदान रहता है अपने टीम के लिए, कमाल की फील्डिंग, 2 रन आउट। सरफराज उर्फ चप्पू, सामने पुनः जी जिन्होंने आज के दिन में एक हाफ सेंचुरी लगाई है। गली पर फील्डर एक जो कि अल्टी पल्टी का शॉट, पुनः जी ने एक आज अर्धशतक बनाया है एक डॉट गेंद के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। ओ ये बहुत ही लाजवाब शॉट, लौकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर
गेंद सी मारे का से बाहर 6 रन के लिए डीजे। सर बॉल बॉल पुनाजी कलंगुटकर अपने बॉलिंग मार्ग पर इस बार कट किया लेकिन स्लिप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला कल के पहले दिन में कांदोलिम फाइटर्स क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में, आज दूसरी टीम कौन होगी, लेकिन दो बड़े टीमों के बीच में मुकाबला। अल्टी पल्टी लाजवाब टाइमिंग थर्ड मैन के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए। नहीं बिल्कुल, सिद्ध वेर्णेकर तेजी के साथ आते 22 का इशारा अंपायर का, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक अच्छी शुरुआत मैदान पर, स्कोर 17 रन। और स्लॉग से डीप स्क्वायर लेग पर और एक बेहतरीन शॉट, गेंद सी मारेका से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ, रोहन सालगांवकर आ चुके बॉलिंग मार्ग पर, स्कोर हो चुका है 23 विदाउट लॉस। अच्छी शुरुआत सिद्धिविनायक आई लई रही क्रिकेट टीम के। ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल, 24 पर आगे बढ़ा। दो दिग्गज स्टार खिलाड़ी नहीं आए, एक और से जो कि नामदेव बाणावलेकर तो अब्दुल सलाम उर्फ शकील, तो बिल्कुल दो खिलाड़ी आज दोनों टीमों के एक एक खिलाड़ी। ओवर पिच गेंद इस बार बेहतरीन शॉट, इस बार देखना होगा काउ कॉर्नर पर फील्डर साहिल गेंद को आते उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर में। इस 1 रन के साथ स्कोर 25 रन पर पहुंचा 25। तीसरा ओवर जारी, खुद का दूसरा रोहन सालगांवकर सामने से दूर वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। ये स्लो ओवर 1 लेग कटर लेग ब्रेक प्लाइटेड गेंद, बल्लेबाज को बीट किया अजीम को और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पुनः जी का लंग उठकर विकेट के पीछे गेंद को कलेक्ट करते और वापस एक बार रोहन बॉलिंग मार्ग पर।
ये बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, पिछली गेंद थोड़ा सा फ्लाइटेड गेंद लेग कटर, ये गेंद पुलर लेन की गेंद, इस बार थोड़ा सा आगे गेंद को पिच किया, पुलर लेन की गेंद, गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। खेल तीसरे ओवर का बिना किसी नुकसान से 25 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार लोअर फुल टॉस, अच्छा शॉट लेकिन मिड विकेट पर फील्डर है विशांत, गेंद को उठाते फील्ड करते और एक सिंगल बन गया। स्लीपर फील्डर, कोई रन नहीं। अच्छा ओवर अब तक चलता हुआ, जो पिछला महंगा रहा था, तीन बड़े शॉट लगे थे पुनाजी की गेंदबाजी पर, उसके बाद रोहन का ओवर अच्छा चलता हुआ अब तक मैदान पर। रन के लिए बिल्कुल अपने रनअप पर थोड़ा सा रुके और बाद में एक बार फिर से वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर रोहन सालगांवकर, राइट आर्म ओवर द विकेट सामने से दूर वाले छोर से। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का मैदान पर। अंधीराज खेलना था, शॉट पहले पर फील्डर निशाना चुका, समीर मापारी शॉट पॉइंट लेग पर, गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल, एक सिंगल के साथ ओवर समाप्त हुआ तीसरा, तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ, एक अच्छा ओवर और टोटल स्कोर 4 रन बने इस ओवर में, तीन ओवर के बाद 9 रन के साथ सिद्धि विनायक आई ले रही क्रिकेट टीम, बल्लेबाजी कर रही है, टोटल 27 तीन ओवर के बाद। दो बेहतरीन टीम है, 60 का टोटल एक अच्छा टोटल होगा, फाइटिंग टोटल होगा, क्योंकि शाम के दौर में दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी रियाज है, आने वाली बल्लेबाजी में आते आते पिछले मैच में तीन बड़े शॉट लगाए थे, इस मैच में देखना होगा। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, सिद्ध वेरनेकर आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स के ओर से। चौथे ओवर की शुरुआत 27 विदाउट लॉस कंप्लीशन आफ्टर थर्ड ओवर, तीन छटकांचा खेल समाप्त होते बिनबाद 27, एक दमदार शुरुआत सिद्धि विनायक आई लारे क्रिकेट संघाचे। गोलंदाज बदल होतोय, सिद्ध वेरनेकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर, सामने बल्लेबाज आहे बॅटर सरफराज। ओवर पिच गेंद, इस बार थोड़ा सा इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और सिद्ध वेरनेकर की अच्छी सोच है, बिल्कुल जल्दी अपनी गेंदबाजी पूरी कर रहे हैं, मालूम है बाद में बैटिंग करनी है। आगे निकलकर खेला, इस बार कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर। चार रन के लिए हमारे ऑर्गेनाइजर आपसे रिक्वेस्ट है सर, सभी से थोड़ा इस मैच के साथ आप मैदान पर अगल आजू बाजू में जाइए, क्योंकि यह मुकाबला क्वार्टर फाइनल का है। चार बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में सरफराज के टीम के। इस बार स्क्वायर लेग पर फील्डर मिड विकेट पर, लेकिन दूर है साहिल, जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते, दो रन मिले स्कोर के खाते में। कि मिस टाइम शॉट था सरफराज का, लेकिन मिड विकेट पर साहिल को मौका बिल्कुल नहीं था, बहुत दूर थे, लंबी दौड़ लगाई, नो मैच लैंड में गेंद और दो बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में, स्कोर 33। आगे निकले डाउन द ग्राउंड, फिर से मौका बना, अब लॉन्ग ऑन पर रोहन सालगांवकर कैच को पकड़ते हुए पहला विकेट चला गया सिद्धि विनायक आई लाई राय क्रिकेट टीम का, स्कोर 33 लॉस ऑफ वन विकेट डीजे। न्यू बैटर मैदान पर रियाज, पिछले मैच में आते आते तीन लंबे लंबे छक्के लगाए थे रियाज ने,
वो मैदान पर सामने सिद वेर्णेकर एक बहुत ही कीमती विकेट चटकाते हुए अपने बॉलिंग बार पर। ओ, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकारा। लेकिन आते आते लगभग बीट किया रियाज को। एक पुलर लेन की गेंद, स्कोर हो चुका है टोटल 33 रन एक विकेट पर। एक अच्छी इनिंग, 23 रन बनाए। हल्के से गेंद को टैप किया ऑफसाइड पर, गली पर फील्डर सरफराज उर्फ चप्पू की एक शानदार इनिंग। चार ओवर का खेल समाप्त हुआ और चार ओवर के बाद 33 लॉस ऑफ वन विकेट, 33 रन एक विकेट पर, 60 का टोटल, बहुत अच्छा टोटल होगा इस मैच में, क्वार्टर फाइनल में। चलिए एक बार फिर से दोनों टीमों से, अंपायर सर से भी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द यह मुकाबला जारी रहे। गेंदबाजी में परिवर्तन, सुशांत बॉलिंग मार्ग पर। बहुत ही शानदार साउंड सिस्टम आसिफ। सुशांत शुरुआत अच्छी गेंद के साथ, एक बिंदी गेंद के साथ, डॉट गेंद के साथ, नॉन स्ट्राइकर इन पर रियाज, सामने स्ट्राइक इन पर अजीम, एकमात्र विकेट सरफराज उर्फ चप्पू आउट होकर वापस सुशांत राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने से दूर वाले चोर से साइड स्क्रीन की ओर से। और टॉप एज लगा गेंद फाइन लेग पर, लेकिन देखना होगा फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। समीर मापर एक सिंगल बना स्कोर में और इस एक रन के साथ स्कोर 34 लॉस ऑफ वन विकेट, 34 रन एक विकेट पर। समीर मापारी उर्फ बॉन्ड फील्डिंग में, सुशांत गेंदबाजी करते हुए सामने रियाज, क्या शॉट लगाए थे पिछले मैच में रियाज ने, लंबे लंबे छक्के लगाए थे। ओ, डॉट गेंद, बिंदी गेंद, लेग कटर, अच्छी लाइन पर, ज्यादा शफल हुए ऑफसाइड पर, कवर किया था स्टंप को, ऑनसाइड पर मारना चाहते थे और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पांचवा ओवर अभी भी जारी, सुशांत राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। ओ, ये गेंद देखना होगा, बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर साहिल, और रियाज वापस, दूसरा विकेट वापस सिद्धि विनायक आई ले रही क्रिकेट टीम का डीजे। दीपक न्यू बैटर मैदान पर, अच्छी वापसी सरफराज उर्फ चप्पू के आउट होने के बाद रियाज को ज्यादा मौका नहीं दिया जो बड़े शॉट के लिए, और उसके बाद दीपक मैदान पर आ चुके ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम के, और सामने सुशांत अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। दूर दूर जमाई गई फील्ड, शाम के दौर में मुकाबला जारी, दो टीमों के बीच में क्वार्टर फाइनल का मैच, जो जीतेगा वो दूसरी टीम पक्की होगी सेमीफाइनल के लिए। तो बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार लेग कटर गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। खेल अभी भी जारी है, पांचवे ओवर का स्कोर रुका हुआ 34-34 पर। फुलर लेन की गेंद बहुत ही बेहतरीन, लॉन्ग अप बाउंड्री पर गेंद चली गई, लॉन्ग अप सिमारे का पर सिक्सर 6 रन के लिए।
थैंक यू डीजे, 5 ओवर 40 रन 2 विकेट पर, 8 रन के साथ रन बना रही है टोटल। एकमात्र ओवर जो पुना जी का महंगा रहा, 18 रन बनाए, लेकिन उसके बाद कमबैक रोहन का, 4 रन दिए, सिद्ध वेरनेकर ने दिए 6 रन, रोहन ने पहले ओवर में भी 4 रन, तो एक अच्छा स्पेल रहा रोहन सालगांवकर का 2 ओवर का 8 रन, और सुशांत ने पिछला ओवर बहुत अच्छी गेंदबाजी की 7 रन दिए। अंतिम ओवर का खेल अब बाकी देखना होगा, 40 रन टोटल 2 विकेट पर। प्रज्योत बॉलिंग मार पर, एक सिंगल मिलेगा स्कोर में, काउ कॉर्नर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते रोहन, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 41 41 रनों पर। आखिरी ओवर का खेल शायद कोशिश होगी सिद्धिविनायक आई ले रहे क्रिकेट टीम के, 2 बड़े शॉट के, और देखना होगा 50 से आगे निकलती है या नहीं मैच में। ओ ये ऑप्टम से बाहर, बहुत दूर गए, अंपायर ने बाहे फैला दी, वाइड बॉल का इशारा, और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में इस वाइड बॉल के साथ। ओ इस बार ऑफसाइड पर शॉट, फील्डर है मौजूद, एक सिंगल, बेहतरीन फील्डिंग, अच्छा थ्रो नहीं, बिल्कुल अंपायर ने बिल्कुल इनकार किया उस अपील का, 2 रन मिले स्कोर के खाते में। कल के दिन में अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ जुड़ चुके थे यतीन घाड़ी और उन्हीं के साथ सिद्धेश हरम्बलकर, आज सिद्धेश हरम्बलकर के साथ पुरुषोत्तम मापारी, कल के दिन में श्याम कलंगुटकर कॉमेंट्री बॉक्स में, आज मैं आपके साथ अशोक नाइक इस मैदान पर। और tenniscricket.in से मिलन और ओमकार सावन, ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, बोल्ड वेव्स गेंद पर 3रा विकेट वापस डीजे। पापालो क्रिकेट टीम, अल्टी पल्टी का शॉट, ओ इस बार बिल्कुल सूरज की रोशनी सामने आंखों के, और 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, सुशांत फील्डर चौका मिला स्कोर के खाते में, और स्कोर आगे बढ़ा 48 48 रन टोटल। थैंक यू डीजे, डीजे थैंक यू, 48 रन टोटल 3 विकेट पर। प्रज्योत अपने बॉलिंग बार पर, आइटम ओवर द विकेट, अगली गेंद लेकर, और फिर से अल्टी पल्टी, फिर से लाजवाब टाइमिंग, और एक बार फील्डर को बीट करती हुई गेंद, 50 रन, इसी के साथ सिद्धिविनायक आई लई राय क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए, टोटल 52 लॉस ऑफ 3 विकेट, लास्ट बॉल टू गो। लास्ट बॉल टू गो, लास्ट बॉल मरे,
फिर से अल्टी पल्टी की कोशिश, पैरों पे टकराती हुई, एक सिंगल बना स्कोर में, दूसरे के लिए पलटे, थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथ, रनआउट का मौका, आउट, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, एक रन मिला स्कोर में और इसी के साथ 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर 53 और टारगेट है मैच को जीतने के लिए 54 का, 54 रनों का टारगेट है क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में मैच को जीतने के लिए। चलिए जरा जल्दी चलिए प्लेस फील्डिंग के लिए और आइए ओपनिंग जोड़ी भी जल्दी चलिए मैदान पर, 54 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। थैंक यू डीजे ऑसम बॉयज आयोजित ये ऑल गोवा पंचायत टीम जिस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, 1,55,555, दूसरा इनाम 77,777, सेमी लूजर को मिलेंगे 22,222, शानदार ट्रॉफी हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच और एक शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का। आज का दूसरा दिन कलंगुट चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरे दिन के शाम के दौर में उपस्थित सभी मान्यवर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। कमेंट्री बॉक्स में से मैं अशोक नाइक, मेरे साथ हमारे कंप्यूटर स्कोरर अखिल परब, हमारे टेनिस क्रिकेट डॉट इन से ओमकार सावन कैमरामैन और डिजिटल स्कोरर मिलन, हमारे साउंड मास्टर आसिफ और सभी दोनों टीमों का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए दोस्तों देरी मत करो अब, क्योंकि शाम धीरे धीरे ढल रही है, सूरज अपने घर जा रहा है और इसी में यह फाइनल का मुकाबला, बाद में बल्लेबाजी है तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी। और फिलहाल ओपनिंग जोड़ी में पुनाजी कलंगुटकर और उन्हीं के साथ विवेक वाइंगणकर, ये जोड़ी लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर, ये जोड़ी एक अच्छा टारगेट है शाम के दौर में और देखना होगा किस तरह से ये मुकाबला समाप्त होता है। 54 का टोटल टारगेट है मैच को जीतने के लिए। 6 ओवर का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में, कल के पहले दिन में कांडोलिन फाइटर्स क्रिकेट टीम जो सेमीफाइनल में, आज देखना होगा दूसरी टीम कौन होती है। थैंक यू डीजे, कल के दिन में यतीन घाड़ी थे अंपायरिंग के जिम्मेदारी के साथ, आज पुरुषोत्तम मापारी और सिद्धेश अरंबलकर ओपनिंग जोड़ी में, पुनाजी कलंगुटकर स्ट्राइक पर, अंपायर का इशारा हो चुका है सरफराज उर्फ चप्पू, पावर प्ले का पहला ओवर, टारगेट 54 का, आज का अंतिम मुकाबला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, सेमीफाइनल के लिए टीम पक्की होगी कौन होगी, चलिए शुरू मैच। छोड़ा जाने दिया, एक अच्छी लाइन पर शुरुआत, सरफराज उर्फ चप्पू ऑफ स्टंप पर, विकेट के पीछे मैनू विकेट कीपर और डॉट गेंद के साथ बिंदी गेंद के साथ शुरुआत होती हुई दूसरी इनिंग की। और बढ़िया शॉट इस बार हाफ वाले पर, एक लाजवाब टाइमिंग, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ओ,
लवली शॉट मिड विकेट पर हवाई फायर गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। आक्रमक शुरुआत मैदान पर 2 बड़े शॉट के साथ पुनाजी कलंगुटकर टोटल 10 रन बिना किसी नुकसान से। 54-54 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। पहला ओवर जारी मैच का, 6 ओवर का मैच, 36 गेंदे 54 रन और पावर प्ले में 2 शॉट और वो 2 शॉट पुनाजी के बल्लेबाजी में। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। हवा में शॉट कवर पर, लेकिन सोनू बिल्कुल, लेकिन कैच पकड़ नहीं पाए। एक मौका जरूर मिला पुनाजी कलंगुटकर को, आने वाला समय बताएगा ये मौका कितना महंगा साबित होता है। तो थैंक यू जो दर्शक है इस मैदान पर जो मैच का आनंद ले रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्री बॉक्स में से कई बार गेंद बाहर जा रही है और वो आप बिल्कुल मैदान में दे रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कमेंट्री बॉक्स में से। इस बार फिर से ड्राइव किया गया इनको कवर पर फील्डर, एक अच्छी फील्डिंग सोनू के, 1 रन पूरा किया। क्या दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो। ओ कमाल की फिर से बैकअप अजीम, बिल्कुल बढ़िया बैकअप, नहीं तो और 1 रन बन सकता था। 2 रन मिले स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ा, 12 पर पहुंचा। आपको एक अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 54 का टारगेट है। मेरी नजर में एक शॉट आप पीछे है और वो आपको कमी पूरी करनी है, तो बेहतरीन फील्डिंग करनी पड़ेगी, अच्छी गेंदबाजी, फिर से एक सुंदर फील्डिंग और एक सिंगल ही बन गया सोनू। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर के बाद टोटल 13 रन बिना किसी नुकसान से। बॉलिंग में परिवर्तन, दीपक आ चुके हैं गेंदबाजी पर, फील्डिंग में तब्दीली। पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद अब फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर। दीपक अपने बॉलिंग मार्ग पर खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए। छोटी गेंद इस बार एक सामने बॉलर के ऊपर से गेंद, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। थोड़ी सी तब्दीली मैदान पर, स्कोर चौके के साथ पहुंचा 17 रनों पर। ओ अच्छी गेंद इस बार बल्ले से निचले हिस्से से लगी, विकेट के पास से बिल्कुल शॉर्ट पाई लेग पर। फील्डर गेंद को फील्ड करते विकेट कीपर के साथ कवर पर, फील्डर कवर के साथ मिड ऑफ और मिड ऑफ के साथ एक बार फिर से गेंदबाज दीपक अपने बॉलिंग मार्ग पर। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, 17 विदाउट लॉस 17 रन टारगेट है 54 का खेल जारी दूसरे ओवर का मैदान पर। सुंदर शॉट, लेकिन क्या कप्तान को दाद देनी पड़ेगी। देखो कहां जहां पर फील्डर लगाया था महीनू को,
लेग कटर गेंद थी और एक अच्छा शॉट पुनाजी के बल्लेबाजी में, और एक सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा क्योंकि फील्डर मौजूद था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, इनको फील्ड करते। और बहुत ही अच्छे होशियार खिलाड़ी है सरफराज नवाज, क्रिकेट का ढेर सारा अनुभव है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में खेल चुके हैं। सामने पुनाजी कलंगुटकर, वो भी बिल्कुल बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में खेल चुके हैं। तो ये मैच बिल्कुल अच्छा होगा दर्शकों के लिए देखना होगा। फिलहाल सामने लेफ्ट हैंडर बैटर जो पहली बार विवेक स्ट्राइक पर, सामने गेंदबाज दीपक, स्लोवर वन लेकिन लाइन पर बट के कुछ अलग करना चाहते थे, वेरिएशन स्लोवर वन, लेकिन ऑफ्टम से बाहर, अंपायर ने बाहर फैला दी, वाइड बॉल का इशारा और एक रन और जुड़ गया अतिरिक्त रन के साथ स्कोर के खाते में। ये तेज गेंद इस बार विकेट कीपर के हाथों से दूर, नॉन स्ट्राइकर इन पर थ्रो किया था स्ट्राइक पर, एक रन दूसरे के लिए पलटे, क्या तीसरे रन की कोशिश होगी मैदान पर? जी नहीं, बिल्कुल दो बहुमूल्य रन इसी बीच में, 22 का इशारा अंपायर का, लेकिन रन बहुत कीमती बन रहे हैं मैदान पर, दो रन के साथ स्कोर आगे 21 रन, दूसरा ओवर जारी 21 रन। लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए राउंड विकेट, और फिर से स्लोवर वन, आजिम गेंद के नीचे नो बॉल का इशारा, नो बॉल के साथ कैच तो पकड़ा था और नो बॉल के साथ शायद ओवरस्टेप हो गए अपने लाइन पर दीपक। और पिछले गेंद की मैं बात करूंगा, मौका था रनआउट का लेकिन शायद कोशिश रही पुनाजी को आउट करने के, नॉन स्ट्राइकर इन पर मौका था, दो रन मिले स्कोर के खाते में और इन दो रन के साथ स्कोर 23। तो आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद 23 विदाउट लॉस, फ्री हिट की गेंद, दीपक अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने पुनाजी कलंगुटकर फ्री हिट के गेंद का सामना करेंगे। और छोटी गेंद पुल किया इस बार फ्री हिट की गेंद को, और सोनू के सर के ऊपर से गेंद मिड विकेट पर सिक्सर। थैंक यू डीजे, कोशिश रही थी सोनू की मिड विकेट पर, हवा में गोता लगाया था लेकिन मुश्किल सा मौका था, फ्री हिट की गेंद थी लेकिन गेंद को रोकने की कोशिश जरूर हुई थी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन के साथ 29। इस बार हल्के से चॉप किया गेंद को, सामने अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, खेल इसी के साथ समाप्त हुआ दूसरे ओवर का, दो ओवर समाप्त हुए और दो ओवर के बाद टोटल 29 विदाउट लॉस। थैंक यू डीजे, सरफराज रूप चप्पू खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने लेफ्ट हैंडर विवेक, और बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट, सिंगल निकाला, ज्यादा मौका दे रहे पुनाजी को क्योंकि वो सेट हो चुके हैं, मालूम है बड़े शॉट लगा सकते हैं और एक सिंगल बन गया। इस बीच में स्कोर आगे बढ़ा 30 पर 54 का टारगेट, 24 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए, और गेंद ही बची है 23 डिलीवरीज 24 रन्स, 23 चेंडू 24वा सामना जिंकण्यासाठी। अल्टी पल्टी कोशिश पुनाजी की, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। मैच अभी भी बिल्कुल अच्छा हो रहा है मैदान पर, सरफराज की कोशिश हो रही है, पुनाजी का विकेट मालूम है, ये विकेट अगर मिल गया तो मैच में बिल्कुल कमबैक होगा, वापसी होगी मैदान पर।
और यही सोच है बिल्कुल, थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ। सोनू को खड़ा कर दिया डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक व्हाइटिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। और फुल टॉस, मिस टाइम शॉट मिड विकेट पर, और मैनू गेंद के नीचे, पुनाजे कलंगुट कर आउट होकर वापस, पहली सफलता मिलती हुई डीजे। दो चौके लगाए, दो छक्के लगाए, 13 गेंदों का सामना किया, 24 रन बनाए अपने टीम के लिए। पुनाजी कालंगुटकर ने पहला विकेट, और पुनाजी के आउट होने के बाद विवेक का साथ देने के लिए समीर मापारे और बॉन्ड मैदान पर। एक अच्छा विकेट, अच्छा कैच मिड विकेट पर, फील्डर मैनू, सरफराज जो खुद आए थे, मालूम था ये विकेट लेना ही पड़ेगा इस मैच में, मैच में अगर कम बैक करना है तो, क्योंकि पुनाजी अगर 4-5 गेंदे खेलते, एक दो शॉट लगाते तो मैच बिल्कुल आसान बना देते मैदान पर। लेकिन अब मुकाबला फिर से वापसी हो चुके मैच में और जारी मुकाबला। और आते आते एक तगड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, गेंद सी मारेका से बाहर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। ओवर पिच गेंद, और ओवर पिच गेंद पर हाफ वाली पर एक तगड़ा शॉट। ओ इस बार फिर से तेज बल्ला घुमाया, सिंगल के लिए निकले, क्या होगा अंपायर का इशारा, एक रन बना स्कोर के खाते में। बिल्कुल बल्ले से लगकर गेंद चली गई थी थर्ड मैन की तरफ, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैदान पर 37। सेंट एंथनी पापालो क्रिकेट टीम, सिद्धिविनायक आई लहराई क्रिकेट टीम, ये दो टीम शाम के दौर में आमने सामने। फिलहाल सामने एक बार फिर से लेफ्ट हैंडर बैटर विवेक, और राउंड विकेट सरफराज अपने बॉलिंग मार पर। और छोटी गेंद का परकट का शॉट कवर पॉइंट बाउंड्री पर, थोड़ा सा आउटफील्ड स्लो है यहां पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 39 रन 39। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, आने वाले 18 गेंदों का खेल बाकी, और 18 गेंदों में अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 15 रन, 18 चेंडू 15 धावा, ऐसा समीकरण या सामन्यातील। सोनू आ चुके हैं एक महत्वपूर्ण ओवर लेकर मैच में, मेरे ख्याल से ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये ओवर अच्छा रहा, एक दो विकेट मिले, मैच में वापसी होगी सिद्धिविनायक आई लहराई क्रिकेट टीम के। अगर इस ओवर में विकेट नहीं मिला, एक भी शॉट बड़ा लगा, तो मुकाबला थोड़ा ढीला हो जाएगा, आसान हो जाएगा सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम के लिए। देखना होगा, 3 ओवर बाकी है, 18 गेंदे और 15 रन। ये लेग ब्रेक ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक रन मिला और स्कोर में, तो अभी भी 3 ओवर बाकी, 18 गेंदों का खेल और सिर्फ 14 रन है जीतने के लिए। 40 रन टोटल स्कोर हो चुका है एक विकेट पर, 24 रन पुनाजी कलंगुटकर, और उनके बाद आउट होने के बाद समीर मापारे और बॉन्ड आ चुके हैं मैदान पर। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे सरफराज और चप्पू, मालूम है मैच है, क्रिकेट है, एक एक रन के लिए बहुत जो कि संघर्ष होगा।
अल्टी पल्टी और देखना होगा। विकेट कीपर के थोड़े हाथों से मिसफील्डिंग जरूर हुई थी। इस बार गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, एक लेग ब्रेक गेंद थे और फिर से एक बिंदी गेंद, डॉट गेंद। 17 गेंदों का खेल और अभी भी लक्ष्य है 14 रनों का, 17 चेंडूंचा खेल बाकी, 17 चेंडू 14 धावा सामना जिंकण्यासाठी। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल, एक रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। कांटे का मुकाबला बिल्कुल जब होता है तो वाइड बॉल बहुत महंगे साबित होते हुए, क्योंकि एक एक रन की कीमत बहुत बड़ी होती है जो क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। तो वाइड बॉल और एक रन मिला। सुन वापस कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। ये गेंद फिर से बाहर ऑफ स्टंप से और एक बार इशारा। ये ओवर कहीं ना कहीं जिस उम्मीद के साथ कप्तान ने गेंद सुपुर्द की थी सोनू के हाथों में, लेकिन सोनू थोड़ा सा शायद प्रेशर में दिखाई देते हुए, दबाव, क्वार्टर फाइनल का मैच है, थोड़ा सा दबाव होगा। और बड़ी अच्छी बात कि समझाया कुछ अजीम ने जाकर, थोड़ा सा हौसला बुलंद किया, विश्वास बढ़ाया, पिट थोड़ी सी थपथपाई और सोनू एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। बहुत अच्छी गेंद इस बार विकेट के पर, थर्ड मैन पर फील्डर को बेट करती हुई, 4 रन के लिए गेंद, 22 का इशारा और 4 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। डीसे स्कोर बढ़ता हुआ 46। इस बार लगभग वाइड बॉल को कट किया, पॉइंट पर फील्डर, ओवर थ्रो, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? जी बिल्कुल, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक थ्रो पहुंचा, शायद नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो होना चाहिए था, स्ट्राइक एंड पर थ्रो, 2 रन मिले स्कोर के खाते में। अब मुकाबला थोड़ा ढीला हो चुका है इस ओवर में। इस ओवर में वाइड बॉल के साथ ज्यादा परेशानी हुई सोनू को। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आज के दूसरे दिन का, इस बार ऑन साइड पर हवाई फायर, यह मौका बनेगा फील्डर और एक अच्छा कैच। आलेख का एक बहुत ही बेहतरीन कैच, दूसरा विकेट चला गया। चलिए न्यू बैटर जरा जल्दी चलिए प्लीज, न्यू बैटर प्लीज जल्दी चलिए, हरी अप रोहन सालगांवकर, जरा जल्दी चलिए प्लीज रोहन सालगांवकर। रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, स्कोर हो चुका है 48 लॉस ऑफ 2 विकेट, 48 रन 2 विकेट पर, रोहन सालगांवकर न्यू बैटर और सोनू अपने बॉलिंग मार पर एक सफलता दिलाते हुए। कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हो रहे थे वाइड बॉल के साथ, लेकिन अच्छी वापसी, एक विकेट चटकाया सामने रोहन। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए इस बार कोई खास समझ नहीं पाए गेंद के बारे में। खेल अभी भी जारी, चौथे ओवर का, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है और मैच को जीतने के लिए चाहिए 6 रन। अच्छा क्रिकेट, हल्के से आगे निकल करके इनको ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर, मैनू गेंद को उठाते फील्ड करते, थोड़ी सी डिलाई फील्डिंग में और दूसरा रन पूरा किया, 50 रन पूरे होते हुए। इसी के साथ सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम के 50 रन, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 2 ओवर बाकी है, 4 रन चाहिए और गेंदे बची है 12, 12 चेंडूत 4 दावा सामना जिंकण्यासाठी। बहुत बहुत धन्यवाद सर सुबोध हड़पड़कर और ओसम बॉयज, आपके पूरी ऑर्गेनाइजर कमिटी का, कितनी बड़ी प्रतियोगिता में आपने मुझ जैसे छोटे कमेंटेटर को मौका दिया। तो मैं बिल्कुल आप सभी का, सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, कमेंट्री बॉक्स में से अशोक नाइक, मैं आपका बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूं इस कलंगुट चैंपियंस ट्रॉफी के साथ। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ कंप्यूटर स्कोर अखिल परब, मिलन और ओमकार सावंत, कैमरामैन आसिफ, डीजे मैन द अंपायर पुरुषोत्तम मापारी और सिद्धेश हर्मलकर,
दो ओवर का खेल, 12 गेंदों का बाकी, 4 रन और सामने बॉलिंग में परिवर्तन। मैनू आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर।